भाई यो इसका मोटे का फोन तो पड़ा गया ना, साइलेंट करो क्यों करे, घना खुड़का करे है। साइलेंट करो, रुक जा हाथ में ही पकड़ूंगा इसे ना। ले रोहित भाई यो पकड़ तू सबसे पहले, ये इसे ना ऐसे करता चल। मंदी बन जे के कमा रहा है भाई, सभी भाइयों को राम राम। सारे भाई जुड़ चुके हैं, कल भाई प्रोग्राम था उस दिन निमट कर ही फ्रेश होकर, एक कल का अखबार पढ़ा मैंने कल शाम को, बहुत बुरी खबर पढ़ी सबसे ऊपर बैठते ही, वह खबर अपने युवाओं के बारे में पढ़ी। मेरे जितने भाई जुड़ रहे हैं सभी शेयर करें, और एक सबसे पहले एक भाई के लिए सलूट, वो सलूट किसको, दो भाइयों के लिए, अमित दलाल और दीपक दलाल, जो कल भगत सिंह के प्रोग्राम में छारा गांव से और रोहतक से दो जगह से दिल्ली में साइकिल यात्रा पर पहुंचे। उन भाइयों के जज्बे को सलाम करता हूं मैं, मेरे भाइया ने मतलब इतना हौसला बढ़ाया, उनके दिल में हकीकत में भगत सिंह आज भी जिंदा है। ये बातें बाद में करांगे, क्योंकि इन बातों के लिए तो अभी दो घंटे बाद वीडियो डालांगे, लेकिन सबसे जरूरी जो बात थी वे बात ये थी, एक बारी सारे भाई जुड़ने के साथ साथ शेयर करो, कल का अखबार पढ़ गए बहुत शर्म आई, गणे शर्म की बात, मतलब यार समझ में ये नहीं आ रही हमारे युवा भाई के चावे हैं और इतनी बुरी बुरी आदत की तसी कावे हैं। एक 18 साल की उम्र कितनी होती है, 18 साल की उम्र में नाबालिग हो है बच्चा, एडल्ट होता है 18 साल तक, एडल्ट का मतलब ये नहीं होता गंदी फिल्म, एडल्ट का मतलब होता नाबालिग होता, वो अनसमझ होता है, इसका मतलब ये होता है। आज आप लोगों को मैं खुलकर समझाऊंगा, और बीमारी के बारे में, दवाई के बारे में, यूज करने के बारे में आज पहली बार खुलकर बताऊंगा आप लोगों ने, सच्चाई के हो है, रियलिटी के हो है, और हम लोग के करण लाग रहे हैं। मैं बात शुरू करूं हूं, मेरे सभी भाइयात या विनती करूं हूं, रवि चौधरी भाई राम राम ले ली, सारे के सारे भाई वीडियो को तुरंत जितने भी आप लोग के ग्रुप उनमें शेयर करते चले जाओ, यो आप लोग का काम है, मेरा काम है आप लोग ने समझाना, मानना ना मानना वो आप लोग का काम है। कल का अखबार उठाकर पढ़ियो, जो कल जालिया यानी कि 21 तारीख का अखबार पढ़ना, उसमें बहुत बुरी खबर आ रखी थी, मेरे पास मेरे खरखोदा के भाई ने भेजी, और उसने मेरे को स्पेशल ये बोला कि भाई साहब इस चीज पर लाइव आके जरूर समझाना है। मैंने मेरे पास परसों चंडीगढ़ से कैंसर के डॉक्टर की बात हुई, जो ओपीडी में कैंसर का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उससे बात हुई, चंडीगढ़ में सबसे बड़ा डॉक्टर है, इनकी समस्याएं सुनना, मतलब जो डॉक्टर वे हमारे को बता रहे हैं, जो खुद डॉक्टर है उस चीज में एक्सपर्ट है। नजबगढ़ में एक दिल्ली पुलिस वाले का लड़का, मतलब प्रशासन वाले आदमी समझदार हो, बात ना सब मानते हो, एक दिल्ली पुलिस वाले का लड़का बॉडी बिल्डिंग कर रहा था, बॉडी बिल्डिंग उसने शुरू करी 16 साल की उम्र में, सब युवाओं में ये जोश हो भाई एकदम खतरनाक बॉडी बना दिया, मारी बॉडी सबसे भयंकर और सबसे तगड़ी दिखाई दे, और उस बॉडी बनाने के चक्कर में वे जिम में जा हैं, जिम में जाते जिम ट्रेनर से मिल रहे हैं, जिम ट्रेनर से मिलते जिम ट्रेनर उन बैठते ये चीज बताओ भाई, सप्लीमेंट ले, स्टेरॉइड ले, तेरी बॉडी बहुत आक्रामक, बहुत तगड़ी, बहुत भयंकर बनेगी। सारे युवा भाई ध्यान से सुनना, आज आप लोगों को बता दूं, क्योंकि मैं खुद जिम में जानिया हूं, मैं खुद 8-10 साल पहलवानी भी कर रहा हूं, मैं एक अच्छा पहलवान नहीं था लेकिन मैं 8-10 साल पहलवानी जरूर कर रहा हूं। मन ने डाइटिंग के बारे में साल दो साल का कोर्स भी कर रखा है, इसमें आयुर्वेदा के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है, आप लोग का आज वो शेयर करूंगा, आप लोग का आज वो बताऊंगा, मेरा काम आप लोग का ही बताना, आप लोग का काम उस पर अमल करना और वे चीज सारे का फलाना। रवि चौधरी भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी इस ग्रुप में वीडियो शेयर करी, मैं काम की बात ना शुरू करू हूं, आप लोग शेयर करते रहो जितना हो जाए। मंजू चौधरी बेबे राम राम, हम जिम में जावा हा, हम सबसे पहले फेटांगे ट्रेनर थे, ट्रेनर तो पूछांगे जी मैंने बॉडी बनानी है मैं क्या करूंगा, गलत तरीका सही तरीका दोनों तरीके बताऊंगा, जिम ट्रेनर आपको बताऊंगा कि भाई आप सबसे पहले
अपना शेड्यूल बनाओ, अपना मेडिसिन लेना शुरू करो, मेडिसिन के बगैर आपकी बॉडी नहीं बन सकती। ये बात जिम ट्रेनर कहेगा, ये बात सरासर गलत हो है, क्योंकि जब भी आप जिम में जाओगे आपकी एज सबसे पहले मायने रखती है। आपकी एज 18-20 साल से अगर कम की है ना, 20 साल से कम उम्र के बच्चे को अपने आप इम्प्रूवमेंट मिलेगी। हमारी बॉडी 2 महीने तक बहुत ज़्यादा पंपिंग करेगी शुरुआत में हम जिम में जाओगे, और हम लोग शुरू में जाते मेडिसिन शुरू कर दिया। आप लोगों ने एक बात और बता दूँ, सुप्लीमेंट में कोई कमी नहीं होती। सुप्लीमेंट क्या होता है? सुप्लीमेंट होता है प्रोटीन। प्रोटीन हमने खाने तय दाल तय दूध तय इन चीज़ा तय मिल रहे है, तो सुप्लीमेंट में कोई कमी नहीं होती। दूसरी चीज वो है स्टोराइड। स्टोराइड में 100% कमी हो है। सुप्लीमेंट बता दूं, सुप्लीमेंट में आप लोग प्रोटीन ले सकते हो, अच्छी चीज है। सुप्लीमेंट में BCA आप ले सकते हो, अच्छी चीज है। आप लोगों ने मल्टीविटामिन सुने होंगे, मल्टीविटामिन आप लोग डेली यूज कर सको हो, अच्छी चीज है। हरी बीमारी ज्यादा बच्चे रहोगे, शेयर करते रहना सभी भाई, ध्यान से सुनना। इन चीजों से अलग है, अगर आपको ये चीज लो हो तो वे होती है स्टोराइड। वेट गेनर जो होता है वो भी सुप्लीमेंट में आता है, लेकिन वेट गेनर 99% अपने आड़े निकली पावे हैं। उनमें गोली पीस दीजा है, डेक्सोना की गोली का आग्रह, 2 रुपया का पत्ता आग्रह, एक उसमें 100 गोली पीस देंगे, यानी कि 10 × 20, 20 रुपया का पाउडर आप 5-6 हजार रुपया में लोगे, और उस नाराजी होकर खाओगे, अपने शरीर का नुकसान करोगे। इससे दूसरा, ये जितनी भी आप चीज लोगे सुप्लीमेंट यूज कर सको हो डेली के लिए, वो आपके शरीर ने मजबूत बनाओगा, या एक हकीकत बात है। सुप्लीमेंट में प्रोटीन, BCA, अमीनो, ये चीजें होती हैं, मल्टीविटामिन। उससे अलग आप लो स्टोराइड। स्टोराइड की आपने बता दूं, एक अपना विजेंद्र गुजर नाम था शायद, भाई था बॉडी बिल्डर जिसका 22.5 इंच का कब्जा था, 22.5 इंच का डोला था भाई की हाइट, मेरे जितनी थी 5'7" 5'8" 22.5 इंच का डोला, बहुत भारी हो गया। लेकिन भाई अपने डोले तय अपनी उस तक संतुष्ट नहीं था। संतुष्ट ना होकर उसने डेक्सोना प्लस टेस्टोलिक, जिसमें टेस्टास्ट्रोन साल्ट हो है, टेस्टास्ट्रोन साल्ट डेक्सोना डेकाट्रोबलिन दोनों इकट्ठे यूज करे, दोनों इकट्ठे यूज करे तो अपनी नस फूल जाया करें। स्टोराइड लेने तय अपनी नस इतनी पतली हो, इतनी मोटी हो जाएंगी, क्योंकि खून का संचार बहुत स्पीड तो हो जाएगा। बहुत स्पीड तो होने के बाद वे नस मोटी होकर खून तेजी तो बहन लग जाएगा, और जो अपना दिल हो है वो ऐसे ऐसे चलिया कर, उसमें इतनी जगह हो है वो उस चीज ने वास नहीं कर सकता इतनी स्पीड ते, जितनी स्पीड ते इंजेक्शन चला देंगे। और जब वो वास करने की स्पीड दिल न्यू बता देगा, उसके कारण हमें अटैक आऊगा, क्योंकि उसमें का खून इतनी तेजी तक छन नहीं पाता, और अटैक होते ही हमारी मौत हो जाएगी। मौत का कारण क्या होया? स्टेरॉइड। आप एक काम करो, कॉफी पियो, 20 कॉफी लगातार कट्ठी पियो, हकीकत में आपकी मौत नहीं हुई था, बच्चोगे भी नहीं, क्योंकि वो उसके अंदर कैफीन होता है, कॉफी के अंदर कैफीन आपके खून की मात्रा को कितनी तेज कर दे है। कितना बड़ा नुकसान हम अपने शरीर में कर रहे हैं। मैं सभी भाइयों से बार बार ये विनती करता आया हूँ, भाई बॉडी बनाने के चक्कर में अपना नाश भी क्यों करो हो। बाहर तो आप सुडोल दिखो, सुंदर दिखो, शरीर के भीतर कुछ रह नहीं रहा। इनकी कमियां बता दूं, सब तो पहले तो बाल उड़ने शुरू हो जाएंगे, या आपके शरीर पर अणचाए बाल आ जाएंगे, छाती पर का कमर पर का सारे का बाल आ जाएंगे, या तो उड़ जाएंगे या घने आ जाएंगे। इसका दूसरा इफेक्ट, आपकी किडनी गुर्दे खराब हो जाएंगे, कति डैमेज हो जाएंगे, उनके अंदर जो जिंक्सिन के जीवाणु हों वे मर जाएंगे, जो गुर्दा के अंदर जीवाणु है, जो पाचन क्रिया ने तेज करे, जो पचाया करें, वे मर जाएंगे आपके, वे आपके नुकसान करें। आप दिखण दिखण के बॉडी बिल्डर महान आदमी रह जाओगे, आपके भीतर कुछ भी ना रहे। आप अपने शरीर का नुकसान और नाश करो, बॉडी को ना बनाते। जब बॉडी भी बनानी है, किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लो, किसे अच्छे आयुर्वेदिक तो सलाह लो। आयुर्वेदिक दवाई में क्या फायदा हो है, या बात बता दूं आप लोगों ने। ऐसा फोन क्यों देता भाई, तेरा फोन बंद हो गया, बैटरी ना थी, जरूरी था देना यो, 2 मिनट में तेरा फोन स्विच ऑफ हो गया, देख ली उसकी वीडियो और कटगी, इतने भाई देखने लग रहे, नुकसान उन चीजा गए। आप लोगों ने एक बात बता दूं सबसे जरूरी, आयुर्वेदिक कोई भी दवाई हो उसमें स्टोराइड नाम की कोई चीज नहीं पड़ती। देसी जड़ी बूटी पेड़ पौधे जो है, अगर उनकी जड़ात है, इन चीजात है, जो हमारे बीच में सारी चीज हो, उन तो बना है। अशोगंधा, सफेद मूसली, सतावरी, गोखरू, ये चीज सब जाना है।
स्वर्ण भस्म, चांदी भस्म, हीरा भस्म, ये चीज सब जाने हैं, लेकिन इनके अगर हम मेडिकल स्टोर पर जाकर या हम किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर जाकर लेंगे, हमने उन चीजों का ज्ञान कोन्या होता कि भाई ये चीज कित कितनी लिया, इनकी मात्रा कित कितनी लिया, क्योंकि इनकी मात्रा ऊपर नीचे होगी तुम्हारे शरीर में नुकसान तो खर नहीं करेगा आयुर्वेदिक दवाई, लेकिन फायदा भी नहीं करेगी। इस मारे इनकी दवाई जो तैयार करी जा कर वे दवाई आप अपने डेली जीवन में यूज करो हो, उनमें का सोया में का 5% भाई ये बात का आग्रह, अगर मेरे दवाई का कोई असर नहीं होया, मेरी दवा मेरे शरीर पर कोई असर नहीं होया, उसका कारण बताऊंगा। मारे शरीर में भीतर में जो कमियां हो सब तो पहले वे कमियां पूरी हो यार, जब तक हमारा शरीर भीतर तक फिट नहीं हो लेगा, भीतर के घा नहीं भर लेंगे, मारे शरीर में वह चीज दिख कोने लगी ओढ़, उसके बाद जब शरीर फिट हो जाएगा उसके बाद वह चीज लगी ओढ़ दिखेगी। और कई भाइयों का शरीर ईसा हो अगर जो कुछ भी खा लो उसका रिजल्ट नहीं देगी। ये बात करा गुप्त रोग की, आप लोग शर्माते हो गए, मैं नहीं शर्माता, आप लोग ने दीवारा पे भी तब जगह जगह लिखा देखा होगा नील शुक्राणु वाले मिले। नील शुक्राणु का मतलब आप लोग समझते हो क्या होते, जिसके अंदर शुक्राणुओं की कमी हो जाए और शून्य हो जाए, जीरो हो जाए। आप लोग ने एक बात बता दू, 100 में से 1% चांस होता है, सच्चाई बात है यार, 100 में से 1% चांस होता है नील शुक्राणु होने के बाद आपके शुक्राणु दोबारा बन सके, नामुमकिन होती ये चीज। वे लोग अपने लूटे हैं बकावे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, चाहे कोई भी दवाई हो नील शुक्राणु होने के बाद 0 से 1 नहीं बनता, 1 से 1,00,000 बन जाते हैं। आपके शरीर में एक भी शुक्राणु होगा ना उसके 1,00,000 बन जाएंगे, उसके पूरे बन जाएंगे, आपके शरीर में पूरे हो जाएंगे, जो कमी पेशी व रिकवरी हो जाएगी। ये नील शुक्राणु का मतलब होता मरा हुआ इंसान, मरे हुए इंसान को दोबारा कोई जीवित नहीं कर सकता, ये झूठी बातें होती हैं। और आदमी में आखिरी सांसें हैं, आदमी वेंटिलेटर पर लेटा है, उसके अंदर हल्की हल्की सांसें चल रही, तो उसके बचने के 100% चांस होते हैं, जब तक उसके अंदर आखिरी सांस होती है। ये ही होता है नील शुक्राणु यानी कि गुप्त रोग। बच्चे पैदा करने की जो क्षमता होती है शुक्राणुओं में 1% भी कमी होगी आप बच्चे पैदा कभी नहीं कर सकते। स्टेरॉइड आपके हार्मोन्स को रोक देता है, वहीं पे रोकने के बाद हार्मोन्स की बढ़ोतरी नहीं होती, जिसके कारण आपके नील शुक्राणु नील हो जाते हैं, आप कभी भी जीवन में बच्चे पैदा करने पिता बनने लायक नहीं रहते। मेरी मोटी मोटी बहनें देखी है मैंने जिम में जो स्टेरॉइड लेती हैं, वे याद करें आप शादी के बाद किसी को बच्चे का सुख नहीं दे सकती, आप अपने शरीर में ये नुकसान कर रही है। अगर आपको वजन घटाने बढ़ाने गुप्त रोग के बारे में कभी भी जीवन में दवाई लेनी है, आप देसी दवाई लो, देसी इलाज कराओ, देसी वैद्य से लो, आपके नजदीक जो भी वैद्य जो भी डॉक्टर हो उससे सलाह लो, आप अपने जीवन का क्यों नाश करो हो। आप लोगों ने पता होगा मैं बात कर रहा था नजबगढ़ के उस भाई की, जिसने ये इंजेक्शन गोड़िया का लग गया करें, कुत्या का लग गया करें, जब दौड़ हो ना दौड़ इनकी घोड़ा का लगा देंगे, उसकी नसें खुल जा और वो पूरी पावर तब भाज जाए और वो घोड़ा जीतता है। जीत के लिए घोड़े का लगा अगर यो इंजेक्शन लगाने के बाद घोड़ा 24 घंटे फुदकता अंडारी इतनी फुर्ती मरा आगर है। इब आप लोग देख लो जिस घोड़े में 1,000 किलो बोझ हो है उसका शरीर इस इंजेक्शन ने नहीं उठन पाता, और आप लोग यो इंजेक्शन लगाने लग रहे, और यो इंजेक्शन भी दो हफ्ते में शेड्यूल बना दें जिम ट्रेनर, सोमवार को भाई डेका लेना है, वीरवार को टेस्टोलिक लेना है, अरे यार क्यों नाश करने लग रहे हो। एक गोली और सुनी होगी आप लोगों ने पता होगा एंड्रोलिक, एनाबोल, डेनाबोल, ये नाम सुने होंगे आप लोगों ने, जिसमें मेथास्ट्रोन साल्ट होता है, थाईलैंड की दवाई होती है ये। एनाबोलिक जो एनाबोल टेबलेट होती है वो 5 mg की होती है, वो हम अपने शरीर में स्टेरॉइड 5 mg लेते हैं, उसके बाद वो असर करना बंद कर जाएगी, फिर हम लेंगे डेनाबोल, दिल आकार की गोली आती है, डेनाबोल की जो पावर होती 10 mg की होती है वो लेनी शुरू कर देंगे, वो असर करना बंद कर जाएगी। फिर लेंगे हम एंड्रोलिक जो 50 mg की होती है, यानी कि एनाबोल से 10 गुना ज्यादा पावर की, फिर एंड्रोलिक लेंगे एक, वह असर करना बंद कर जाएगी, उसकी मात्रा बढ़ा देंगे हम, एंड्रोलिक कर देंगे 2, एंड्रोलिक कर देंगे 5 दिन में, 5 एंड्रोलिक का मतलब होता 250 mg, 250 mg का इंजेक्शन आप डेली अपने शरीर में ले रहे हो लगातार,
आपकी बॉडी घनी बैंकर टाइट, शरीर पावर महसूस होगी, मसल पे मसल चढ़न लग जाएंगी, शरीर खराब हो जाएगा, भीतर तक काले पड़ जाओगे, सलेट भर के कति काले हो जाओगे, भीतर तक आपका शरीर फुक के रंध के शरीर का कति नाश हो जाएगा। बाहर तो बने रहो, जिस दिन उस गोली ने छोड़ दोगे, उस दवाई ने छोड़ दोगे, उस दिन के बाद आपका शरीर उल्टा उड़े आ जाएगा जित था। उसका कारण है शरीर में वो जब तक वह दवाई रहेगी वो आप उस नशे के आदि हो चुके हो। जब तक उस दवाई ने लोगे आपका शरीर चल लगा, जब उस दवाई ने छोड़ दोगे आपका शरीर काम करना बंद कर देगा। ई बाप नू बता दो, आपने अपने शरीर में नाश कराया या आपके शरीर में फायदा कराया? और मेरे जवान भाइया तो यह विनती क्यों करूँ हूँ, मेरे कई तब फौजी भाई जुड़ रहे हैं, सुरेंद्र बाब मड़ा मेरा भाई, ये बार बार गुठे दिल भेजन लग रहा, बॉर्डर पर बैठा भारत पाकिस्तान के उड़े तो बैठ गया, वीडियो देखने लग रहा, क्यों? क्योंकि अपने पूरे के पूरे सब भाइया थे, मेरा भाई बता अगर कूड़ा हम सब मिलकर ठाली बैठ कर जब फ्री हो जावा नौकरी तय, ये चीज सब मैं शेयर करे अगर, ये हकीकती बात है, गुप्त रोग न्यू नहीं बेरा किसके भीतर हो जाए, मेरे भीतर हो, आपके भीतर हो, शर्मान की चीज नहीं होती, शर्माए ते बीमारी बढ़िया करें, लखोए ते बीमारी बढ़िया रहे, और वो दिन दूर को ना, ये जो गोली कैप्सूल खानियां है फिर ब्याह हुए पीछे घर के बाहर है ना, तीसरे दिन ने जिस गल ब्याह करेंगे वालों का ही घर फोन करके बताओगी मम्मी पापा कुछ को ना पाया ही होते, उससे अगले दिन ने घर के बाहर टम्पू खड़ा पाओगा और वो सामान्यों का न्यू उल्टा जागा, अगले दिन तलाक, तलाक के कारण क्यों है, 100 में से 90% कारण ये होते हैं। औरत कभी भी इस चीज के साथ समझौता नहीं कर सकती, कोई भी औरत होई, हम लड़की हमारी किसी के साथ शादी होगी, शादी होने के बाद मारे पति में ये कमी पागी, वो निल है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, कब तक इस बात को छुपाएंगे? हर औरत को अपना बच्चा चाहिए, हर औरत को अपनी संतान चाहिए, हर औरत को आगे अपना जीवन बढ़ाना है। मैं सभी भाइयों से ये विनती करता हूं, भाई नाश ना करो, नाश ना करो, यो शरीर बार बार नहीं बनता, पाकिस्तान वाला तो पूछ के देखो, किडनी बेचें वे किडनी अपने शरीर की काट गए गरीबी में, एक एक किडनी 40-40, 50-50 लाख रुपया में दे हैं, आप अपने शरीर की वैल्यू ला लो, 50 लाख रुपया में आप लोगों ने एक किडनी मिल रहा है, भगवान ने आप लोगों का दो दे रखी होंगी, 1 करोड़ रुपये की तो आप किडनी लिए फिरो हो, आंख नाक कान दिल ये शरीर कितने करोड़ रुपया में तैयार हो है, और मोल सारी चीज ले ले आप शरीर में फिट करवा लो, आपका वो शरीर फिर भी नहीं होन पाओगा जो भगवान ने बना रखा है। मैं सभी भाई याद या विनती करूं हूं, हाथ जोड़ के विनती करूं हूं, मेरे भाई ये बॉडी बनाने के चक्कर में यो नाश करना बंद कर दो। मैंने बालक देखे हैं 20,000 की एक स्प्लेंडर ले रहा, घर का नाश हो रहा, 20,000 रुपया में स्प्लेंडर बेच के और स्टोराइड ले आया, ल्या के स्टोराइड खा के उसने ना तेनू बेरा स्टोराइड सब लिया रहे, लेकिन उसके वास करने के तरीके का ही नहीं बेरा आदमी, यानी ये नहीं बेरा, जिस टाइम हम स्टोराइड छोड़ देंगे हमने विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी उसको वास करता है हमारे शरीर के अंदर से निकालता है, और जब हम स्टोराइड लेंगे हमारे शरीर के अंदर स्टोराइड होगा, उस टाइम पर 7 से 8 लीटर पानी कंटिन्यू हमने पीना चाहिए ताकि हमारी मसल ना टूटे, हमारी मसल कमजोर ना हो, हमारी मसल नस पर नस चढ़ा रही नकार हो, पानी की कमी होती है, और हम ग्लूकोज चढ़वा का ग्लूकोज कुछ को ना होता, नमक का पानी हो है, और वो पानी आप डेली अपने घर पर ज्यादा मात्रा में पियो, आपके शरीर के अंदर ये कमियां ही नहीं हो सकती। तो अपने शरीर का आप लोग खुद नाश करना गिरे हो, अपने शरीर का आप लोग खुद 30 साल तक जब आपकी उम्र 32 हो जाएगी, उस तो पहले आपने को ना दिखा नुकसान कर लिया, नाश कर लिया, 30 साल की उम्र होते दिखने लग जाएगी, 30 साल की उम्र होते बैक पेन, सिर के बाल गायब, किडनी दोनों खराब, गुर्दे खराब, गाम में लकड़ोगे चिड़चिड़ापन, उस इंजेक्शन के इतने आदि हो जाओगे, आपने 1 हफ्ता भी इंजेक्शन उका दिया दिमाग पाट जाएगा गाम में लगड़ते। इस मारे में आप सब भैया ने बताऊं हूं, देखो रशिया से भी हमारे भाई दे कूड़े भी मारी अच्छा ही रही है चीज फलाव है। इस मारे आप लोग ये विनती करूं हूं, अपने शरीर का नाश मत करो भाई, अगर आप लोगों ने कुछ लेना है तो देसी दवाई देसी तरीके देसी चीज यूज करो। एक बात आपने बता दू, आप न्यू मानो हो अगर भाई बिना दवाई लियो सर ना होया, भाई देसी दवाई आपके शरीर में आराम आराम से काम करती है, पहले उस बीमारी को जड़ से निकालेगी उसके बाद आपका इलाज करेगी, और अंग्रेजी दवाइयां कभी भी इलाज नहीं करती, बीमारी को दबा देती है,
वो बीमारी आपके शरीर के अंदर रहती है, वो आपको राहत दे देती है कुछ टाइम के लिए, उसके बाद वे बीमारी दोबारा फिर फैल जाए। इब समझो ना समझो, मैं आज इस चीज पर आखिरी बार भोकू हूं, इसके बाद दोबारा कद्दे भी नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा? मन समल नहीं कर रहे इस चीज पे। सब तो मैंने बात, जो कैंसर का डॉक्टर है सबसे बड़ा चंडीगढ़ में, वो भाई ये कहने लग रहा फोन कर, हर्ष भाई आपने लोग सुने हैं, आपने लोग पसंद करे हैं, आप लोग या बात मुंह माथा फूक दो। अरे कैंसर जो होती है, कैंसर की बीमारी की जिसने जान पट जा है, वो एक खुश नसीब इंसान होता है। उसने मौका तो मिला इलाज कराने का, और जो आदमी एक्सीडेंट में एकदम मर जा है, उनका के उन मौका भी ना मिलता बेचारे ने इलाज कराने का। आप वे आदमी हो, आपके शरीर में बीमारी के बेरा होते हुए आप उसका इलाज नहीं कराते। इस बारे में मैं आपने महामूर्ख हूंगा जो अपना टाइम पे इलाज नहीं कराते। इलाज कराना जरूरी है। देसी दवाई फिर बताऊंगा आपने, आराम आराम तो असर कराया करें। अंग्रेजी दवाई एकदम असर कराया करें। अंग्रेजी दवाई की बता दूं, अंग्रेजी दवाई में आप पाउडर में दवाई लोगे, एक हफ्ते में रिजल्ट देगी। गोली में दवाई लोगे, दो दिन में रिजल्ट देगी। इंजेक्शन में लोगे, एक मिनट में असर देगा, क्योंकि डायरेक्ट नशा में गुया दाब दिया और असर शुरू। सेम देसी दवाई का, देसी दवाई आप लोगे, जो भी आपकी बीमारी कमजोरी होगी, आराम आराम ताराम आराम तो उसने ठीक करेगी। और जब आपकी दवाई पूरी तरह से कंट्रोल पालेगी बीमारी पे, इतना आप इलाज छोड़ दो, आप छोड़ देना यार, के लेना को असर तो हो जाए ना। ये सबसे बड़ी मामूरखता है आप लोगों की, ये एक सच्चाई है। एक अठ जोड़ आगर अठ जोड़ का आ रहे जी ने अपने ऊपर का एरो फेर रही हो ना, एरो अपने हाडकती कट पट रहे हो, घना दर्द रहता हो, उसने वह हाथ जोड़ जब ली जा अगर वह अपन सारी का मिल लिया करे, और आप उस दवाई तो पूरे शरीर पर घना सुतरा काबू पा सका हाँ, कदे भी आड्डा में कितने भी को दर्द नहीं रहेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, घरे पत्ते वाली गोली लेंगे, एक रुपये की डिस्प्रीन का आगर जिसने नो डाइक्लोविन पल्स, वह गोली लेकर हम वह गोली खाएंगे, वह गोली थारा दो मिनट में आराम दे देगी। ओ जी सा आ गया, तुमने न्यू नहीं बेरा एयरकोर्ट में बाल पड़ते जान लग रहे हो। सभी भाइयों से विनती करूंगा, 2000 आदमी मैंने देखा लग रहे, 2000 आदमी भाई इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा सब जगह शेयर कर दें। पंजाब में तो नशे की इन चीजा की हद हो रही है, और दिल्ली में सबके सब भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तुरंत शेयर कर दें, क्योंकि विनती चाहूं हूं आप लोग का अच्छाई सब में फैले और अच्छाई फैलाओ भाई, ना सर नुकसान तब बच लियो मेरे भाई, अपने शरीर ने तब बचा लियो, देश और समाज तब बाद में आओगा, शरीर नहीं बचा पा रहे आप लोग और हम लोग। बहुत शर्म आई तड़के तड़के इस चीज पर भोकना पड़ा, इतना मारा और बीपी आई हो जाए बेमतलब यार, ये अखबार ये चीज पढ़ पढ़। एक बारी सभी भाइयों से विनती है, सब भाई तुरंत शेयर करो, 2000 भाई जुड़ रहे हो, 2000 भाई 100-100 शेयर करोगे, कितने शेयर होगे, तुरंत यह वीडियो सब में फैलगी। आप घर बैठे बैठे एक अच्छाई के पत्र बन रहे हो, एक अच्छाई फैला रहे हो। मैं आप लोग का सब भैया यह विनती करूं हूं, जितना हो सके एक बार तुरंत सारे के सारे सब जगह शेयर कर दो, शेयर का ऑप्शन दबो, शेयर का ऑप्शन दाब के तीन ऑप्शन आऊंगे सोड़े हाथ ने, ग्रुप टू शेयर लिखा पाओगा, ग्रुप टू शेयर पर दबो, उस पर दाब का ऊपर तक नीचे ती जितने ग्रुप हो सारे में वीडियो न बगा दो, ताकि सब ती या अच्छाई या चीज फैल जा। एक भाई की और बता दू, एक भाई ने कॉमेंट कराया था कल भगत सिंह का हम प्रोग्राम कर रहे थे उसके ऊपर, सबसे पहले तो आप सभी को मुबारकबाद, काल भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहे, आप सबकी दया आता है, आप सबकी दुआ आता है। उसे दूसरा एक भाई ने कमेंट कराया, अग भाई ये तो मुझे पता था आप राजनीति करोगे, आज पगड़ी बांधे देख भी लिया कि आप राजनीति करोगे। खैर बेला मन खुशी हुई आप जिसा भाई राजनीति करेगा। मैं उन भाइया ने एक बात बता दूं भाई, मैंने पहले भी एक बात कही थी, आज भी एक बात कहूं हूं, हम भगत सिंह के प्रोग्राम में थे किसी राजनीति के में नहीं, और पगड़ी बांधे तो राजनीति नहीं हो यार, ये हमारे बड़े बुजुर्ग का मान सम्मान करने का तरीका होता है। उससे दूसरा रही राजनीति की बात, आप आई इस चीज तो भाई कोसो कोसो दूर हाँ, या बात काल भी थी, या बात आज भी है, आज भी है, और या बात आगे भी सुन लोगे, क्योंकि मैं बार बार आप लोग का न सफाई दूं, हम राजनीति ना करा न्यू ना करा, क्या जरूरत है भाई इस चीज की, आप लोग खुद देख लियो यार, आप लोग की तो दूर थोड़ी चले जाओगे मारते। मेरा भाई वीरेंद्र पहल जुड़ गया, जो बहुत बड़ी यार बहुत अच्छाई चीज फैलाया करे इन सब के बीच में, बड़े भाई ने राम राम, कद्दे भी देख लियो भाई हमेशा अच्छी चीज फैला रहे, आपा समर्थक है अच्छी चीज फैलाने वाले के, आपा समर्थक किसी राजनीति पार्टी के नहीं है भाई,
मारे घर आके को घी तलवा के ना जाता मेरा, अग मेरे ऊपर बोल रही ये कर वो कर, के जरूरत है अपने घर लाग रहे जो सीधी बात ही, अपने घर तो टू खा अपने घर तक खावांगे, ना मारा को खड़ बेना था ना मारा तक को रोटी टूका देना था, समझे? तो भाई इनका अपना काम है, हमारा अपना काम है, आप इन चीज़ा ने ये बातें अपने दिमाग में पाड़ के गलत शक ना ले जाओ। अरे भाई गलत शक ले जाने की बात सीधी स्पष्ट एक बात बता दूं यार, इंतजार तो करो, ये इलेक्शन आओगे चले जाएंगे, आप लोग ना पहचान पार्टी जाएगी, हम राजनीति कर रहे हैं या भाई अपना सिर्फ एक मुहिम है भाईचारा इकट्ठा करना, जातिवाद खत्म करना, इस तैनारी अपनी कोई बात नहीं। राम राम, जय हिंद, धन्यवाद। और भाई शेयर जरूर कर दियो सारे के, और इन चीज़ा पर अमल करियो, शेयर शेयर करे तो काम को ना चल रहा है, थूक बिलो बिलो मर लिए हमें इस हमारे बिलो वहाँ, हाँ कुछ भाई समझे भगत सिंह के प्रोग्राम में मेरे कहे थे, मैंने जितनी उम्मीद करी उससे ज़्यादा भाई आए, इस चीज़ के लिए हाथ जोड़ के आप लोगों का धन्यवाद करूँ हूँ, मैंने मेरी छाती चोड़ी होगी अगर भाई फेसबुक ये नहीं, हमने हकीकत में दिल तसावे हैं, मैं इन भाई आती हमारे ये बात कहूँ, धन्यवाद आप सबका, राम राम, जय हिंद।